Free energy. बहुत दिनों से YouTube के होम पेज में ये फ्री एनर्जी का वीडियो बार बार आ रहा था और भाई मेरा भोला इंसान मैं एक दिन एक फ्री एनर्जी का वीडियो में क्लिक कर डाला और वीडियो देखने लगा। फिर उसके बाद मेरे को नजर आया आप लोगों का कमेंट। सुपर फेक, थैंक्स फॉर मेकिंग अस इस कमेंट्स को देखने के बाद मेरे अंदर का CID बाहर निकला और बोला नहीं, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। सो हेलो गाइस, दिस इज कौस्तुब चक्रवर्ती। आज के वीडियो में यही देखने वाले हैं कि ये फ्री एनर्जी वाला वीडियो फेक है या रियल। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में बने रहे एंड तक। लेट्स डू दिस। इसका बेस तैयार करने के लिए चाहिए हमको पहले MDF बोर्ड। आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। MDF बोर्ड के थोड़ी साइड में हम ग्लू गन से ग्लू लगा ले रहे हैं थोड़ी सी। फिर उसके ऊपर एक छोटा सा MDF बोर्ड का पीस चिपका दे रहा हूँ मैं यहाँ पर। उसके ऊपर फिर से हम यहाँ पर ग्लू गन से ग्लू डाल दे रहा है। उसके ऊपर और एक MDF बोर्ड का पीस चिपका दे रहे हैं हम। अभी आप पूछोगे कोस्ट ऑफ टू क्या आईफेल टावर बना रहा है क्या? मैं कहूँगा नहीं, हम तो यहाँ पर मोटर बिठाने वाले हैं। हाय लोग, मैं यहाँ पर जो है DVD प्लेयर वाला मोटर यूज कर रहा हूँ क्योंकि इस मोटर का RPM थोड़ी ज्यादा है इसलिए। फिर से मैं ग्लू लगा रहा हूँ MDF के ऊपर क्योंकि यहाँ पर और एक मोटर लगाने वाले हैं इसलिए। ये जो मोटर मैं यूज़ कर रहा हूँ इसका नाम है 370 नंबर का मोटर। हम 3.7 वोल्ट का 3800 mAh का एक बैटरी ले रहा है। आप इससे कम mAh का भी ले सकते हैं। फिर उसको सैंड पेपर के मदद से थोड़ी घिस लेंगे क्योंकि सोल्डरिंग करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है इसलिए। फिर उसके बाद इसको सोल्डरिंग कर लेंगे। गाइस, आपका अगर कोई क्वारी हो तो मैं यूट्यूब के बगैर इंस्टाग्राम और ट्विटर और फेसबुक पेज पे भी मिल जाऊंगा। सब सोशल मीडिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। फिर भाई लोग MDF बोर्ड के ऊपर बैटरी को कुछ इस तरीके से चिपका लेंगे। बैटरी के माइनस वाले वायर को कुछ इस तरह DVD वाले मोटर पे सोल्ड कर देंगे। फिर उसके बाद चाहिए हमें एक पुश ऑन पुश ऑफ स्विच। फिर भाई लोग उसको चिपका देना है फिर MDF बोर्ड के ऊपर कुछ इस तरीके से। बैटरी के प्लस वाले वायर से स्विच को सोल्ड कर देना है कुछ इस तरीके से। फिर भाई लोग हमें सोल्ड करना है एक वायर को स्विच के बचे हुए लेग के साथ। स्विच के लेग्स कभी जिंदा था क्या? अबे यार, वो स्विच के और एक पॉइंट के साथ होगा। दीपक, मैं तेरे को कितनी बार बताया कि वीडियो के बीच में मत बोल, फिर तूने आज बोला तो रुक। अभी रुक, तेरे को मैं देता हूँ, रुक। गाइस, ये पीला वायर को मैं मोटर के साथ ऐसे सोल्डरिंग कर लिया है और हमारे ये सर्किट तैयार हो चुका है। गाइस, अभी आपको चाहिए पुली जो मैं अगले वीडियो में बना के दिखाने वाला है। तो वो वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। नहीं भी देखना है तो भी सब्सक्राइब कीजिए यार, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके वीडियो लाता रहता हूँ और आप लोगों को एंटरटेनमेंट करता रहता हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए इस वीडियो को। भाई लोग, यहाँ पर कुछ समझने के बात है तो थोड़ी ध्यान से समझ लेना। इस मोटर पे हम 3.7 वोल्ट देंगे, उस मोटर पे बड़े वाले पुली हम लगाएंगे और जिस मोटर पे से हम आउटपुट लेंगे उस मोटर पे छोटे वाले पुली को लगाने वाले हैं हम। इसमें कोई भी रबर बैंड यूज़ कर सकते हो, पर टाइट भी नहीं होने चाहिए और लूज भी नहीं होने चाहिए। गाइज, नाउ टेस्टिंग टाइम। अभी देख लेते हैं ये रियल या फेक है। मैंने इस मल्टीमीटर को मॉडिफाई किया है। आप भी मल्टीमीटर के बैक लाइट लगाना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में। गाइस, यहाँ पर जो मैंने स्विच ऑन कर दिया है इसके बाद भाई आप लोग खुद ही देख सकते हो, सब कुछ आपके सामने है। कहीं से भी कोई तार नहीं आ रहा है भाई, देख लो खुद ही भाई, ये रियल वीडियो है, ये कोई फेक नहीं है। गाइस, आप भी इसको घर में बना सकते हो, पर मैं जिस मोटर को लिया हो वो
अब भी ले लीजिएगा, नहीं तो आपके आप दूसरे मोटर लेंगे तो उसमें कम वोल्टेज आएगा, 12 वोल्ट या 10 वोल्ट इतना ही आ सकेगा। पर ये जो मैंने मोटर लिए ये थोड़ा हाई पावर मोटर है, इसलिए ये 18-19 वोल्ट दे रही है मुझको। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।